सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप फिटनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू अमनदीप फिटनेस यूट्यूब चैनल। गाइस, ये एक मिसकंसेप्शन है कि आर्थराइटिस सिर्फ ओल्डर पीपल से कंसर्न्ड है। वाइल ये ट्रू है कि आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है इन पीपल ओवर एज ऑफ 65, बट ये चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स और यंगर एडल्ट्स को भी हो सकती है। चलिए ये जानते हैं कि आर्थराइटिस एग्जैक्टली है क्या। आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेशन होती है जो एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ऑब्जर्व की जा सकती है, ये सडनली अकर नहीं होती। ये मोस्ट कॉमन है इन वुमेन देन मैन और ज़्यादातर ओवरवेट पीपल में देखी जाती है। जॉइंट्स में पेन या स्टिफनेस होना अलॉन्ग विद स्वेलिंग आर्थराइटिस के साइंस हैं। इसके सिम्टम्स होने से लॉस ऑफ एपेटाइट और एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है। गाइस, डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन आर्थराइटिस। चलिए जानते हैं कुछ फूड्स के बारे में जो हाईली रिकमेंडेड हैं आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए। नंबर वन, विटामिन सी। विटामिन सी ऑस्टियो आर्थराइटिस की डिटर्मिनेंटल डेवलपमेंट नहीं होने देती। इसे आप इजीली अपनी डाइट से ले सकते हैं। विटामिन सी के टॉप सोर्सेज हैं कीवी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज एंड ऑरेंज। नंबर टू, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स स्पेशली ग्रीन स्टफ जैसे कि ब्रोकली, कैबेज और स्प्राउट्स में एक्सेलेंट पोर्शन ऑफ सल्फोराफेन होता है जो जॉइंट्स कार्टिलेज डैमेज को स्लोअर करता है। नंबर थ्री, ओमेगा थ्री। सैमन, ट्यूना ओमेगा थ्री के ग्रेट सोर्सेज हैं जो टॉप एंटी इन्फ्लामेटरी हैं हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो कंसर्न है विद इन्फ्लामेशन। ये जॉइंट स्वेलिंग को कम करते हैं, इसके साथ डाइजेस्टिव इश्यूज़ और स्किन कंडीशन भी ठीक करते हैं। नंबर फोर, गार्लिक। गार्लिक और ओनियंस में एक कंपाउंड होता है डायलाइल डाइसल्फाइड, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट है कार्टिलेज डैमेजिंग एंजाइम्स पे, जिससे रिलीफ मिलता है फ्रॉम आर्थराइटिस। नंबर फाइव, नट्स। नट्स सिर्फ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन ही नहीं, इनमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स भी होते हैं। फर्दर, नट्स में मैग्नीशियम, एल आर्जिनिन और वाइटामिन ई होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। चलिए जानते हैं कुछ फूड्स के बारे में जो आर्थराइटिस में कंज्यूम नहीं करने चाहिए। नंबर वन, ग्रिल्ड, फ्राइड, फ्रोजन एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ऐसे फूड्स खाने से इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है, तो इन्हें कंज्यूम करना वर्स्ट थिंग है इन आर्थराइटिस। इन्हें कट करने से बॉडी अपने नेचुरल डिफेंसेस को अलो करती है टू रिप्लेनिश। सो बेटर है कि आप हेल्दी ऑप्शन चुनें लाइक बॉइल्ड या बेक्ड फूड्स। नंबर टू, रिफाइंड कार्ब्स। इनमें वो सब आता है जो प्रोसेस हुआ हो फ्रॉम वाइट ब्रेड और बंस, और मेजॉरिटी ऑफ जंक फूड्स आते हैं। इनकी जगह आप होल ग्रेन्स कंज्यूम करें या गुड कार्ब्स लें, जिनसे आपका लिटिल बिट वेट भी लूज होगा। नंबर थ्री, स्मोकिंग। स्मोकर्स को हाई रिस्क होता है आर्थराइटिस का, और अल्कोहल से गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्हें भी अवॉइड करें। गाइस, डेरी एक गुड ऑप्शन है आर्थराइटिस प्रॉब्लम फेसिंग पीपल के लिए। इसमें एक टाइप का प्रोटीन होता है जो जॉइंट्स के अराउंड टिश्यू को इरिटेट करता है। सो आर्थराइटिस में आप प्रोटीन सोर्सेज का अल्टरनेटिव डेरी हो सकता है। नट्स और सोया प्रोडक्ट्स इस लिस्ट में टॉप पर हैं, और उसके साथ ऑलिव ऑयल इन प्लेस ऑफ बटर। और प्रोसेस्ड फूड्स का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि आप लो फैट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा सॉल्ट या शुगर, इन्हें भी लेस क्वांटिटी में यूज़ करें। गाइस, तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग आर्थराइटिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे फिटनेस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।